कार वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं थाली पीठ। तो थाली पीठ के लिए जो बाजार से जो ये थाली पीठ का आटा मिलता है वो हमने मंगाया है और अब इससे हम थाली पीठ बनाएंगे। इसमें 2 कप आटा हमने डाल दिया है, अब 1 कप और डाल रहे हैं। और ये प्याज हमने किसके रखे हैं, 2 प्याज हैं, ये हरा धनिया है और ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये इसमें हम डालेंगे। इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी हमने, मिर्ची डाली, जीरा डाला थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको पहले मसल के देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो पानी डालेंगे क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। 2-3 चम्मच पानी डाला है, इसमें थोड़ा पानी और डालेगा। ये आटा हमने तैयार करा है, इसको थोड़ा सा नरम रखा है हमने, ये चालू नहीं करा था। ये हमने ये मलमल का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम इसको थोड़ा गीला कर लिया है और अब इसके ऊपर रख के हम थाली पीठ बनाएंगे। वो हाथ से किसी से नहीं बनता है तो हमने ये नई ट्रिक निकाली है कि ये इसके ऊपर हमने एक थैली रख ली प्लास्टिक की और इससे बेल के और बना रहे हैं। ये कपड़े से उठा के हमने इस पे डाल दिया है, अब इसको लो और मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे। अब इसको हम पलट रहे हैं, हल्का हल्का तेल लगाया ऊपर से, इसको पलट दिया है और वापस से इस पे तेल लगा रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे हाथ से इसमें होल कर देंगे। इस पे हमने थोड़े से तिल डाले, चालू कर लेना, चालू। फिर मैं बताऊंगी तो। अब ये कपड़े से उठा रहे हैं और अब धीरे से तवे पर डाल देते हैं। ये तवे पर डल गया, ऊपर भी तिल डाल दिए हैं, एक बार पीछे डाल दिए थे और इसमें ऊपर भी डाले। इसको पलट दिया है हमने, ये हमारे थाली पीठ की थाली तैयार है और इसमें हमने हरी चटनी बनाई है, लहसुन की चटनी है, प्याज है, हरी मिर्च है और इस तरह से ये थाली पीठ खाते हैं। ये हमने पहली बार ट्राई करा है तो प्लीज अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना और कैसा बना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।